तो दोस्तों फाइनली बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन के बारे में आज फिर मैं बात करने वाला हूँ। ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा जिसमें कि आपको इंस्टेंट अप्रूवल यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर मैक्सिमम लोन 20,000 रुपए तक का ले सकते हैं सिर्फ आधार पैन के साथ। कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे वर्क करती है और किन सिटी में लोन सर्विस प्रोवाइड करा रही है, सारी डिटेल तो आपको वीडियो में जाने के बाद ही बताऊंगा, लाइव स्टेप अप्लाई करके बताऊंगा। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल आ चुके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों हमारे फोन में एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है लोन इजी और एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर कुछ परमिशन भी देने होंगे और यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन को। पढ़ने के बाद नीचे से ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप परमिशन दे पाएंगे। और ये एप्लीकेशन की डैशबोर्ड है और ये मैंने जैसा आपको बताया था 20,000 रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको एक अपना मोबाइल नंबर देनी होगी और नीचे से गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों ओटीपी आते ही ओटीपी कोड फिलअप करेंगे और आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। दोबारा से आप उसी डैशबोर्ड पे आएंगे और यहां भी कुछ परमिशन आपको देने होंगे, यहां से अलाउ करेंगे, दोबारा अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहां पर देख पाएंगे 20,000 रुपए तक का लोन आपको देने की दावा करती है और यहां पर देख पाएंगे लोन टर्म इन्होंने बता कर रखा 120 दिन, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको 120 दिन यहां पर मिलने वाले हैं। और यहां पर देख पाएंगे डिसबर्समेंट अमाउंट की अगर हम बात करें, कुछ इस तरह से आपको यहां पर डिसबर्समेंट अमाउंट मिलेगी और रिपेमेंट अमाउंट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहां पर आपको 120 दिन या फिर 90 दिनों का लोन टर्म नहीं मिलने वाली, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन ही मिलने वाला है जहां तक मुझे अनुमान है। चलिए लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहां पर ऑथेंटिकेशन करानी होगी, यानी केवाईसी डिटेल शेयर करना होगा। जैसे मैं आप यहां पर पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी डालेंगे, आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी अपलोड करेंगे और नीचे से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अपना एक सेल्फी लेंगे। दोस्तों अब यहां पर बात आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, अपना आप एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे, एजुकेशनल डिटेल्स बताएंगे आप कितने तक पढ़े हैं, मैरिटल स्टेटस बतानी होगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना होगा, फैमिली मंथली इनकम क्या है वो डिटेल डालेंगे, होम एड्रेस डिटेल के साथ बताएंगे यानी पिन कोड के साथ, आप अपने घर पे रहते हैं या फिर अपने रेंट पे वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, वर्क टाइप आप बताएंगे, मंथली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वर्क टाइप आपको बतानी होगी और किस कंपनी में काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं वो फुल डिटेल एड्रेस के साथ आपको बतानी होगी। किस डेट को आपकी सैलरी आती है उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे से सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है, दो रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा, उसके बाद नीचे से सबमिट करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, आप यहाँ पर बैंक कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट डिसबर्समेंट करना चाहते हैं या फिर डिपॉजिट करना चाहते हैं। आपका फुल नेम आपको देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ से बैंक नेम चूज करेंगे, आईएफएससी कोड आप डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और आपको यहाँ पर यूपीआई अकाउंट एड्रेस डिटेल डालना होगा, उसके बाद नीचे से सबमिट कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, देखते हैं कितनी की अप्रूवल यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख पाएंगे 4500 की यहाँ पर लिमिट्स मिली है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे, और मेरा जैसा अनुमान था यहाँ पर देख पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपको मिल रही है यानी 7 डेज के लिए। यहाँ से अपने हिसाब से लोन ऑफ पर्पज चूज करेंगे कि आप किस चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर 4500 रुपए के लिए अगर मैं लोन अप्लाई करूँ तो हमारे बैंक खाते में आएंगे 3438 रुपए, लोन को रिपेमेंट करना होगा 4531 रुपए कुछ पैसे। आपके तरफ से बहुत सारे सवाल आते थे कि सर नया लोन एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताइए, तो दोस्तों ये है न्यू लोन एप्लीकेशन। अगर आपको इमरजेंसी है तो इस एप्लीकेशन द्वारा लोन के लिए अप्लाई करें, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म की लोन आपको मिलती है और मुझे जहां तक लगता है लोन लेने के बाद लोन को रिपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ये वर्क करती है, न्यू लोन एप्लीकेशन सिर्फ आधार पैन के बेसिस पे लोन एप्लीकेशन ये वर्क कर रही है पूरे भारत में। दोस्तों अगर आप ईएमआई लोन एप्लीकेशन के बारे में आज जानना चाहते हैं तो मैं 5 टॉप एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी। साथ साथ मैं 5 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया जो फिलहाल एप्लीकेशन वर्क कर रही है सिर्फ आधार पैन के साथ एप्लीकेशन वर्क करती है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही मैंने बताया है कल की डेट में, वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।